दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 लगातार बॉक्स ऑफिस पर गरज रही है। फिल्म के लिए लोगों में जो दीवानगी है वो खूब सिनेमा घरों के अंदर भी नजर आ रही है। कई थिएटर्स के अंदर गदर फैंस डांस और सीटियां बजाते नजर आ रहे हैं। गदर 2 ने अपने पहले सोमवार को भी धूमधार कमाई की है। दोस्तों जिस दिन अक्सर बड़ी बड़ी फिल्में भी हाफ जाती है, इतना ही नहीं फर्स्ट मंडे की कमाई के मामले में गदर 2 ने ब्लॉकबस्टर और बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म पठान को भी पछाड़ दिया है। गदर 2 ने सोमवार को जबरदस्त कमाई की है। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड रखने वाले साइट के रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 इतिहास रचती नजर आ रही है। 4 दिनों में इस फिल्म ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। गदर 2 ने चौथे दिन ओपनिंग डे से बस थोड़े ही पीछे रह गई है। फिल्म ने चौथे दिन 39 करोड़ रुपए की कमाई की, जैसा किसी सोमवार को इससे पहले शायद ही कभी दिखा हो। दोस्तों अनिल शर्मा निर्देशित फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को 40 करोड़ रुपए, दूसरे दिन शनिवार को 43 करोड़ रुपए, तीसरे दिन रविवार को 51 करोड़ 70 लाख रुपए और चौथे दिन सोमवार को 38 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की। दोस्तों कुल 4 दिनों में फिल्म की कमाई का ये आंकड़ा केवल भारत भर में 173 करोड़ 58 लाख रुपए के पास पहुंच गया है, जबकि रविवार तक ही फिल्म वर्ल्ड वाइड 230 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। दोस्तों इस फिल्म ने सोमवार की कमाई के मामले में इस साल की सबसे बड़ी हिट और बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमाई करने वाली शाहरुख खान की फिल्म को भी पछाड़ दिया है। जहां गदर 2 ने 38 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की, वहीं पठान ने पहले सोमवार को 26 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। हालांकि दोस्तों पठान बुधवार को रिलीज हुआ था और सोमवार को इस फिल्म का छठा दिन था। तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आगे की खबरों को, पल पल की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।